जय श्री सीताराम। बिना दाग वाला एक नींबू लें, उसे आप बीच में से काटें और उसमें जो बीच वाला भाग है उसमें आप लाल सिंदूर लगाएं और इसे आप अपने मुख्य द्वार के, जो द्वार की दहलीज होती है, तो दहलीज के नीचे दो कॉर्नर होते हैं, एक उधर कॉर्नर एक इधर कॉर्नर, तो दोनों कॉर्नर पर उल्टा रख दें जिस पर आपने लाल सिंदूर लगाया था, उस लाल सिंदूर को जमीन पर रख दें, तो ऐसा उल्टा नींबू हो जाएगा। ऐसा उल्टा यहां रखें, ऐसा उल्टा वहां रखें, मुख्य द्वार की दहलीज पर और कॉर्नर पर नीचे जमीन पर। ऐसा करना घर में आने वाली जो भी नेगेटिविटीज हैं, वो नेगेटिविटीज देखो कई प्रकार की हो सकती है। वो नेगेटिविटीज आपके अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा दी जा रही हो, वो आपके कुछ आपका बुरा चाहने वाले रिश्तेदारों के द्वारा दी जा रही हो, कई कुछ नेगेटिविटीज तो ऐसी भी होती हैं। आप हो सकता है आप शायद इस बात पर यकीन करते हो ना करते हो, बहुत सारे लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं और बेचारे वो लोग ही इस बात को समझते हैं कि सर हमें कुछ आवाज़ें आती हैं या हमें कुछ दृश्य दिखते हैं। अब जो इस बात पर विश्वास नहीं करते वो इस बात को नहीं समझेंगे, ठीक है, आप मत सुनिए इस बात को, लेकिन जो लोग इस प्रकार की आवाज़ों को, इस प्रकार के दृश्यों को, हरकतों को महसूस करते हैं, वो भी यदि ये करेंगे तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि ये कब किया जाए, कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे अच्छा जो दिन है इसके लिए वो है शनिवार का दिन, और मैं कहूंगा दिन का मतलब शाम में कह रहा हूं, जैसे सूर्यास्त होने ही वाला है, जिसको हम प्रदोष काल कहते हैं, सूर्यास्त होने ही वाला है, अभी हुआ नहीं है, बस हो रहा है, सनसेट हो रहा है, जैसे हम कई बार घूमने जाते तो सनसेट पॉइंट पर हम जाते ना सनसेट देखने, या पाश्चात्य संस्कृति सनसेट देखना, तो वैसे ही सनसेट टाइम जब हो रहा है तो उस समय आप ये कीजिए, और शनिवार को कीजिए, और हर शनिवार को कीजिए, मतलब आज शनिवार किया शाम में, ऐसे सप्ताह भर तक उनको वहां पर रहने दीजिए नींबू को। यदि किसी प्रकार से वो इधर उधर हो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, अब अगले शनिवार पुनः इस प्रक्रिया को दोहराइए। ऑलरेडी भी वो नींबू वहां पर रखे हुए हैं मुख्य द्वार पर, तो उन्हें लीजिए और ले करके कहीं बाहर नाली में या कहीं पर फेंक दीजिए, या दूर भी जाकर के कहीं फेंक के आ सकते हैं। फिर पुनः इस प्रक्रिया को आप दोहराइए। कुछ आपको इस प्रक्रिया को दोहराते समय कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं है, ना केवल इतनी सी एक प्रक्रिया करने की जरूरत है। आजकल भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं, पुराने जमाने में भी किया जाता था कि नींबू और मिर्च को जो है वो टांग दिया जाता था, हाँ मुख्य द्वार पर टांग दिया जाता था। आप यदि ये टांगते हैं तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए होगा और आपकी सारी समस्याओं को खत्म करने वाला होगा, करके जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।